बाप चैलेंज करता है, लौकिक में भी करो ये वर्णन, कोई बस बताए हम करोड़पति है, नहीं लखपति बने तो मैं हार गया, कोई बस बताए हमारा परिवार बड़ा सुखी है, नहीं दुख उस क्षण से स्टार्ट हुआ तो मैं हार गया, मेरा शरीर बड़ा स्वस्थ है, खुद से वर्णन करो या दूसरों से, नहीं शरीर बिगड़ना स्टार्ट हुआ तो मैं हार गया। जिसका वर्णन करोगे सुख वाली बातों का, ऐसे नहीं कि दुख का वर्णन करोगे तो दुख जाएगा, बढ़ेगा, दुख का वर्णन करोगे तो बढ़ेगा और सुख का वर्णन करोगे तो घटेगा। मायावी दुनिया है, मायावी है। समझ के बाद कोई जिम जाते हैं, कोई बताए किसको, बहुत अच्छे अभी ये बाइसेप्स हो गए हमारे, शोल्डर पहले से बहुत बढ़िया हो गए, उसी क्षण से नीचे आना स्टार्ट होते हैं, उसी क्षण से। कभी कोई वजन बढ़ाते घटाते, आपका आधा एक किलो दो किलो इधर उधर हो गया, घटाने वाले का घट गया, बढ़ाने वाले का बढ़ गया, बस डिक्लेयर करें, बढ़ा तो मैं हार गया, घटा तो मैं हार गया। खुद खुद को भी नहीं बताओ, माया सुन रही अंदर, खुद को भी नहीं बताओ। सुबह उठे तुमने बोला हाँ बहुत अच्छी नींद हो गई आज, लिख के लेना कल अच्छी नहीं होगी, लिख के लेना। खुद खुद को भी नहीं बोलना है बहुत अच्छी नींद हुई है, इतना चुप रहना, दूसरों को तो बिल्कुल नहीं, माया है वो। माया हमेशा क्या करती है बच्चे, दिखावा करती। तो तुम्हारी नींद बहुत अच्छी हो रही, अब ये दूसरे को बता के तुम्हें क्या मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, पर उसे दिखावा करना अच्छा लगता है हर बात में। माया मेरा शरीर आज बड़ा स्वस्थ है, बिगड़ेगा आज, लिख के लेना कल तो और ज्यादा, इसलिए बस चुप, एकदम चुप। समझ के बात है, अच्छाई बताओ नहीं, खुद खुद को भी नहीं बताओ। तुम्हारा जो मायावी स्वरूप है वही तुम्हारे सुख शांति का चोर है, तुम्हारे आनंद का चोर है, तुम्हारा ही है वो स्वरूप, तुम्हारा ही है, वही तुम्हारा सब चुरा रहा है। बस जैसे तुमने मन ही मन बोला, वाणी से बोला, उसे पता चला क्या अच्छा है, उसने चुराया। वो तुम्हारा जो मायावी स्वरूप है वो माया का सेवक है, दास है माया का। समझ है, वो माया की संतान है, वो वही जानने के लिए बैठा है अंदर कि तुम्हारे पास अच्छा क्या है, शांति तुम्हें कहाँ से मिलती है। कभी कोई कहे ये विधि की ना हमने बहुत अच्छी शांति महसूस हुई, अगले बार से आपको महसूस हुई तो मैं हार गया, क्योंकि उसे पता चला अंदर वाले मायावी स्वरूप को कि तुझे शांति कहाँ से मिलती है। अभी वो उस विधि को बिगाड़ने के लिए तैयार है। संभल कर चलना, तुम ही तुम्हारे दोस्त हो और तुम्हारा मायावी स्वरूप ही तुम्हारा दुश्मन है। संभल कर रहना, एकदम चुप। अभी सवाल उठेगा क्या कहे और क्या ना कहे, बात वही है, बैलेंस करने का, बैलेंस रहने का युग है ये, शांत रहने का। कुछ कहा तो गया,
बस वो स्वरूप वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह तुम्हारे अंदर बैठा है, बस रीडिंग लेता है, माया को भेज देता है, सेंड करता है तुरंत, एयर ड्रॉप कर देता है तुरंत, हवा में ही भेज देता है। इसलिए संभाल करो। और ये मायावी स्वरूप, जब तक ये मायावी तन तुम्हारे पास है तब तक रहेगा। और आखिरी लड़ाई जो ब्रह्मा बाप की सुनी शरीर छोड़ते समय, वो इसी स्वरूप की थी जिसका नाम कर्म भोग है। इसी स्वरूप की लड़ाई होती है, तुम्हारी तुमसे ही लड़ाई होती है लास्ट में। कोई शैतान तुमसे लड़ने नहीं आता, शैतान को बहुत काम धंधे है, उसको अपना पार्ट बजाना है। तुम्हारा ही स्वरूप तुमसे लड़ता है और उसी स्वरूप को तुम्हें दुर्गति में लेके जाना है, ताकि वो सदा का अमर हो जाए, अनेक जन्म वो मायावी भोगे। तुम ही तुम्हारे दुश्मन हो, ना तुम्हारा वो स्वरूप, उसकी पूरी जिद है कुछ भी करके तुम्हें दुर्गति में लेके जाना, तुम्हारे उस स्वरूप की जिद है। इसलिए तुम्हें कोई दुर्गति में दूसरा नहीं लेके जाएगा। देह और देह के संबंध वही याद दिलाता है, ये माता ये पिता, अरे ऐसे कैसे तू भूल गया। ये जो संकल्प आ रहे हैं ना देह और देह से संबंधित, ये वही क्रिएट कर रहा है, ध्यान में रखना। इसलिए तुम जो बैठे हो, तुम्हारे अंदर तुम एक सत्य बैठे हो और एक फॉल्स आत्मा बैठी है इस स्वरूप के, फॉल्स फेक आत्मा, मायावी स्वरूप वाली मिरर इमेज है तुम्हारी, ये कहो ब्लैक मिरर इमेज है। काले आईने में वो मिरर इमेज बैठी है, जिसमें सेम मन, जिसमें सेम बुद्धि है, जिसमें सेम संस्कार है, जिसमें सारे अवगुण भरे हैं। दिव्य गुण नहीं, अवगुण, वहाँ से सब आता है। इसलिए हर कोई ड्यूअल पर्सनालिटी वाला है। कभी वो गीत सुनना, ऊपर गगन विशाल, उसमें इसी में शैतान और इसी में भगवान बैठा है, दूसरा स्वरूप भी वही बैठा है, सेम एज इट इज़ है वो, एज इट इज़। और बच्चे ध्यान में रखना, मरने के बाद कोई आत्मा भटकती है ना, वो आत्मा नहीं ये स्वरूप भटकता है। आत्मा कभी नहीं भटक सकती, आत्मा तो चली गई, पर इसकी इच्छाएं इतनी दृढ़ थी ये स्वरूप भटक रहा है और फिर किसी और में प्रवेश होकर वैसे ही करने की चेष्टा करता है जैसे उसके संस्कार है। पर ब्लेम तुम पर आएगा, कर्म भोग तुम्हारे अकाउंट में लिखा जाएगा, क्योंकि स्वरूप तुम्हारा है, क्रिएशन तुम्हारी है, सेम है बच्चे, दो अस्तित्व है। इसलिए जो दूसरा विचार आता है ये देता है, दूसरा विजन याद करना चाहते हो परमधाम बाबा, याद आता है देह और देह का संसार, ये दिलाता है, क्योंकि इसे पता है तुमने परमधाम याद किया तो ये कमज़ोर हो जाएगा, तुमने आत्मचिंतन किया तो ये कमज़ोर हो जाएगा, तुमने दिव्य संस्कारों का चिंतन किया तो ये कमज़ोर हो जाएगा, इससे पता है। इसलिए ये तुम्हें करने नहीं देगा। बहुत बार कहते मेरा मन नहीं, ये दूसरा अस्तित्व कह रहा है, जरा कुछ चेंज करे, रोज दाल भात खा रहे, थोड़ा कुछ स्वादिष्ट बनाते, टेस्ट वाला, टेस्टी, ये दूसरा अस्तित्व कह रहा है। जितना भी कंफर्ट चाहिए ना इस दुनिया का, ये दूसरे अस्तित्व को चाहिए। हठी होगी इस अस्तित्व को हट से मारने की चेष्टा करते हैं, फिर अस्तित्व भाग जाता है। इसलिए अघोरियों के अंदर ये अस्तित्व नहीं होता,
जो ईश्वर प्रति सच्चे हैं, पक्के हैं, उनके अंदर ये अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वो बहुत निर्मल होते हैं। सन्यासियों के अंदर ये दूसरा अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि इसे निकाल दिया इन्होंने हट से, मार से, तुम्हें राजयोग से निकालना है, ये दूसरा अस्तित्व है। यहाँ मेरे साथ समर्पित होकर भी तुम में दो अस्तित्व है। संसार में चलते तुम अगर माता हो एक और, तुम बहन हो एक और, तुम अगर सास हो एक और, बेटी हो एक और, जितने नाम रूप से तुम्हें पुकारा जाता है रिश्तों से, उतने अस्तित्व तुम में बैठे हैं। इसलिए वही व्यक्ति एक घड़ी में बाप के रूप में बच्चे से बात करता है, दूसरे घड़ी में पत्नी से पति के रूप में बात करता है, तीसरे घड़ी में बहन भाई के साथ भाई के रूप में बात करता है, चौथे घड़ी में मित्र के साथ मित्र के रूप में बात करता है, उतने अस्तित्व है। इसलिए बाप कहता है, देह और देह के सारे संबंध भूलो, बस मेरा तो एक शिव बाबा। जितने रिश्ते तुम्हें याद हैं, उतने अस्तित्व तुम में बैठे हैं। अभी इतने सारे अस्तित्व मिटाकर फिर सबसे बड़ा अस्तित्व है खुद का दूसरा, उसे मिटाना है तब अपने अस्तित्व में आएंगे। कोई मामूली बात नहीं है, मामूली ज्ञान नहीं है, मामूली खेल नहीं है। तुम अभी भी अटके हो उन अस्तित्वों में, देह और देह के संबंध में। अपने अस्तित्व को कब मिटाओगे? अशुद्ध वो तो कहाँ का कहाँ है, और वो कितना मजबूत है जानते हो? 63 जन्मों में जितने रिश्ते तुम्हारे साथ पाड़ बजाए, प्रमुख रिश्ते भी और सब रिश्ते भी, जितने व्यक्तित्व होके गए 63 जन्मों में, इन सबका मिला के एक अस्तित्व है। सोचो कितने होंगे। अगर माता पिता तुम एक अस्तित्व, तो उसमें से पति या पत्नी पकड़ा, 3, 2 बच्चे, 5, 5 अस्तित्व के साथ तुमने पाड़ बजाया है, तो 63 × 5 कितने हो गए? 6, 5, 300 और 3, 5, 15, 315 अस्तित्व है तुम्हारे अंदर। 315 अस्तित्व का बल है। कब निकालोगे? कब निकालो? 315 अस्तित्व बैठे, ये मैंने मिनिमम कहे हैं। मंत्रीगण होंगे, प्रधान होंगे, और ऐसे नहीं कि एक राजा की एक ही रानी होती है, एक ही बच्चा होता है या दो ही बच्चे होते हैं। चाचा मामा काका भी होते हैं जिनके अंदर बुद्धि अटकी होती है, सास ससुर भी होते हैं, प्रजा में से कोई ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं तो मन अटका हुआ होता है। कितने अस्तित्व है भाई। ये ज्ञान कोई ऐसे ही नहीं कि ऐसे चले और मिल गया वर्षा। बहुत बातें हैं गहरी, समझना पड़ता है। हर किसी को लगता है मुरली सुनी, अमृत वेला किया, हो गया। अरे बच्चे काहे का हो गया? ब्रह्मा बाप के जितने बचे थे वो सारे आए थे अंतिम समय में, पर योग बल भारी पड़ा और जीत हो गई। सब अस्तित्व आते अंत में फंसाने के लिए, सब के सब। इसलिए यहाँ एक सेकेंड भी बर्बाद मत करो, एक सेकेंड भी। बहुत बड़ा ज्ञान है बच्चों, ये ध्यान में रखना। शैतान बाहर नहीं है, अंदर है तुम्हारा दूसरा अस्तित्व। इसलिए जितना हो सके अपने मुख्य अस्तित्व में रहने की कोशिश करो। गुस्सा उसे आता है, अपमान उसे फील होता है, किसी ने गाली दी
तो बुरा उसे लगता है, वो पूर्ण रूप से जागृत होता है। तुम्हें जिस दिन फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, वो अस्तित्व मरने लगेगा, समाप्त तो होने लगेगा। इसलिए कोई कितना भी अपमान करे, गाली दे, ग्लानी करे, निंदा करे, शांत रहो। गाली तो उसे दी जा रही है, निंदा तो उसकी की जा रही है, तुम क्यों विचलित हो रहे हो, तुम क्यों हिल रहे हो। किसी किसी का अस्तित्व इतना स्ट्रांग है कि महाकाल ठोके तो जग जाता है, बाबा ने ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। कितना स्ट्रांग, ना परमात्मा को भी फाइट देने के लिए तैयार है वो, तुम आत्मा का क्या करेगा वो अस्तित्व, रहोगे क्या, आत्मा को कहाँ के कहाँ खा जाएगा वो। इसलिए जिस दिन परमात्मा जो महाकाल में तुम्हें डांट लगाता है, उसके वचनों में तुम स्थिर रहोगे, अस्तित्व समाप्त होने लगेगा। जिस दिन जो भी बच्चा महाकाल की डांट से पॉइंट वन भी हिलेगा नहीं, फिर एक सेकेंड की भी डांट हो, मैं लिख के देता हूँ आधा अस्तित्व मर जाएगा, लिख के देता हूँ। पर तुम हिलते हो, हिलने के बाद और मजबूत होता है, संभल कर रहना, संभल कर रहना, समझ की बात है। और दूसरी बात सबको बाबा बताना चाहेगा, महाकाल उसी को ये भाग्य देता है जो देह और देह के संबंध से निकला है, बाकियों को नहीं। माफ़ करना, महाकाल बाकियों को ये सौभाग्य नहीं देता कि मैं तेरी क्लीनिंग करूं और निकालूं, बिल्कुल नहीं। देह और देह के संबंध से जो निकला है उसी के लिए करूंगा, संपूर्ण रूप से जो स्वाहा हुआ है उसी के लिए करूंगा, जिसका हर संकल्प विश्व कल्याण के लिए उसी के लिए करूंगा, जिसकी हर विजन विश्व कल्याण के लिए, जिसका हर संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुण विश्व कल्याण के लिए है, हर सांस विश्व कल्याण के लिए, उसी को महाकाल बनाएगा। बाकी बने मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं बनाऊंगा। समझ की बात है, क्यों बनाऊं, क्यों बनाऊं, समझ की बात है। समझदार बनना। और बच्चे, किसी को कभी लगेगा चतुराई कर सकते हैं कि हमारा सब विश्व कल्याण अर्थ है, चतुराई कर सकते, बाप तो भोला है, तूने संकल्प किया मैं बना दूंगा, महाकाल रूप में शुद्ध बना दूंगा, तूने कह दिया ना सब विश्व कल्याण अर्थ, तेरे संकल्प से ही बना दूंगा मैं, और स्व कल्याण का जरा भी भाव उठा 84 जन्म नरक, महाकाल हो नरक कल्पना भी नहीं कर सकते, महाकाल के साथ गेम नहीं खेल सकते। बाप को ठग सकते हो, महाकाल को नहीं ठग सकते। तुरंत चाबी घुमा देता है वो, तुरंत क्या चतुराई करोगे, रुद्र के साथ तो विचार भी नहीं करो। समझ, रुद्र तो 84 जन्मों का नरक का भी पाठ बजाने के लिए अस्तित्व नहीं रखेगा तुम्हारा, रुद्र है वो, अस्तित्व ही समाप्त। इसलिए डबल गेम नहीं खेल सकते बाप के साथ। महाकाल ऐसे गेम बजा देगा ना बच्चे, ड्रामा से ही आउट कर देगा। संभल कर रहना, चतुराई नहीं करना बाप से, ठगी नहीं करना। समझ की बात है। इसलिए पहला जो कहा है, देह और देह के संबंध जिसके साथ है ध्यान में रखना। जब जन्मे हो तुम्हारे साथ दो आए हैं, एक डेमोनिक ऊर्जा सेम तुम्हारे जैसी है, दूसरी तुम आत्मा। इसलिए तुम्हें
इसलिए तुम्हें फर्क समझ में नहीं आता ये तुम हो या कोई और है, फर्क नहीं समझ में आता। बहुत बार अभी तो आईने में देखना बंद है लंबे समय से, कोई देखता नहीं, पर जब कभी हो, समय पूरा हो जाए अभ्यास का, तब कभी आईने में देखना और अपनी आँखों में देखना, पुतलियों में देखते रहना थोड़े समय के लिए, देखते देखते आत्मा समझ के देखना आईने में। मैं लिख के देता हूँ, एक पल में तुम्हें शैतान की झलक मिलेगी, तुम्हारे अंदर की, तुम्हारे अंदर का शैतान तुम्हें दिखेगा, लिख के देता हूँ मैं। है अंदर, डर जाओगे देखोगे तो, डर लगेगा। तुम्हारा ही वो रूप है, 63 जन्मों के शैतानी संस्कारों का मजबूत रूप है वो, संभल कर रहना। इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस में सोते हो तो वो सपने में लेके जाता है। सोने से कम एक घड़ी पहले 24 मिनट, बच्चों मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम 24 मिनट, बाकी करो। पर तुम्हें पता चला अभी आधे घंटे में सोओगे, रखो बाजू में 24 मिनट। मैं ये भी नहीं कहता योग करो, मैं ये भी नहीं कहता आत्मिक स्थिति करो, सकाश दो, मुरली पढ़ो, बस इसे यूज नहीं करो, ये शैतान का डिवाइस है, आप नहीं जानते बच्चों। अभी सारी दुनिया को उसी से खुशी मिलती है, अब बच्चों में वो ताकत है इसे कचरे के डब्बे में फेंकने की, क्योंकि मेरे बच्चे हो, फेंकने की बात नहीं, वो तो सेवा का साधन है, पर हाथ नहीं लगाना है, जरूरत नहीं। बच्चों ध्यान में रखना, थोड़े समय के लिए इसे यूज ना करने के बाद जो बेचैनी होती है ना, वो इसे होती है, इसलिए वो घड़ी घड़ी उसे खोलेगा, किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का मिस कॉल तो नहीं, व्हाट्सअप, कोई ईमेल, इंस्टा पर कोई अपडेट, फेसबुक पर कोई अपडेट, यूट्यूब पर कोई अपडेट, कोई नोटिफिकेशन, घड़ी घड़ी इसको हाथ लगाएगा। ब्लैक मिरर है, मोबाइल ब्लैक मिरर है, पता है ना, ध्यान में रखना, जानते हो ना इसे, ब्लैक मिरर है, काला पूरा, समझ है बच्चे, समझदार बन, ब्लैक मिरर है वो। और कभी सर्च कर गूगल पर बैठकर, ब्लैक मिरर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कभी सर्च कर गूगल में, यूट्यूब में सर्च कर, लैपटॉप ब्लैक मिरर है, टीवी ब्लैक मिरर है, ये सब ब्लैक मिरर है, कौन इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ज़रा रिसर्च कर कभी टाइम मिले तो, और फिर तू सोच करना है नहीं करना है। बस ध्यान में रखना, तेरे अंदर तेरा एक खतरनाक अस्तित्व बैठा है, बेहद खतरनाक। 5 और 5 10 रावण के मुख दिखाते हैं, ध्यान में रखना, उसको 63 × 10 630 मुख है, सिर्फ 10 नहीं है, 63 जन्मों के 610 मुख है, सिर है उसको, 610 बुद्धियां है उसके पास, 610 मन है, 610 संस्कारों के स्टोरेजेस है, इतना शक्तिशाली, और तू एक आत्मा, ध्यान में रखना। 63 रावण के साथ तेरी लड़ाई है, उस महाज्ञानी महापंडित को मत देख, वो तो पूजनीय थे, महाज्ञानी महापंडित, समझ के बाद सारी सारी
इसलिए बच्चे अपने में आ, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवा, पूर्ण रूप से अपने में आ, समझदार बन, होश में आ, वरना गफलत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अपना अस्तित्व 63 अस्तित्व के बीच फंसा हुआ है, 63 इंटू रिश्तेदार जितने भी होंगे। समझ के बाद होश में आओ बच्चे पूर्ण रूप से, इसलिए आत्मा को कुछ और नहीं लगता।